दोस्तों कितना अच्छा हो जाए अगर हम दिन भर में जो भी चीजें खाएं वो पूरी तरीके से हमारे शरीर में लग जाए, तो हमारी मसल्स को बनने से कोई नहीं रोक सकता है और आपको इतने सारे वीडियोस को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम तो यहीं पे आती है कि हम खाते तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो सही से हमारे शरीर में नहीं लग पा रही हैं। अगर हम बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं तो हम मसल्स ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, दुबले पतले ही रह जाते हैं, हमारे शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसी वजह से आज का ये वीडियो बन रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा इनको जैसे ही आप आजमाना शुरू करोगे आपकी मसल्स ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, वजन बढ़ाना चाहते हो तो वजन बढ़ने लगेगा आपका और साथ में कमजोरी भी आपके शरीर से दूर होगी। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है कि हम जो भी चीजें खाते हैं, हमने कोई भी चीज खाई खाने में, तो वो चीज पहले जाती है हमारे पेट में, वहां पे वो अच्छे से पचती है, उसके बाद में वो हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें उनको एब्जॉर्ब करता है, हमारे पूरे शरीर में खून के द्वारा दौड़ा देता है। तो अगर हमारे दिमाग को किसी न्यूट्रिएंट की जरूरत है तो वहां पे हमारे खून के द्वारा हमारा खाना पहुंच जाता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। अगर हमारी किडनी को किसी चीज की जरूरत है, अगर हमारे दिल को किसी चीज की जरूरत है, तो वहां पे वो जो ब्लड होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है। लेकिन मान लो अगर आपने कोई खाना खाया और वो सही से पचा ही नहीं, तो कैसे हमारा खून न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में पहुंचाएगा? तो इसलिए आपके खाने को पचना बहुत जरूरी है। और जिसमें सबसे बड़ा जो कारण होता है आपके खाने के ना पचने का, वो होता है अगर आपका लीवर कमजोर होता है। अगर आपका लीवर कमजोर होता है तो वो बाइल नामक जूस, बाइल एक लिक्विड होता है जो हमारे खाने को पचाता तो है, साथ में वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे हमारा शरीर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको उसमें से खोज लेता है और हमारे पूरे शरीर में दौड़ा देता है। इस वजह से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है और सही से काम करता है। तो अगर आपका लीवर कमजोर होगा तो कभी भी खाना सही से नहीं पचेगा, जो खाओगे पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, तो आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आपका वजन नहीं बढ़ पाएगा। मतलब अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में लगा तो आपकी बॉडी बनी, आपने जो प्रोटीन लिया अगर वो प्रोटीन शरीर में नहीं लगेगा तो कितना भी प्रोटीन खाते रहो, कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें खाते रहो, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसीलिए आप लोग बहुत बार कमेंट में ये पूछते हो कि हम जो भी खाते हैं वो शरीर में नहीं लगता है, तो इसका रीजन यही है कि आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, आपका लीवर स्वस्थ नहीं है। तो क्या करना है आपको अपने लीवर को स्वस्थ करने के लिए, कुछ बातें बताऊंगा, बहुत ध्यान से आप लोगों को सुननी है। देखिए जब भी आपको लीवर को स्वस्थ करने की बात आती है तो हमें खानी चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी हरी सब्जियां। बहुत से लोग कहेंगे कि हरी सब्जियां खाने से हमारा शरीर नहीं बनता है, ताकत नहीं आती, स्टैमिना नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं जो आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो ये आपके लीवर को साफ करता है, क्लीन करता है, तो उसके बाद में आप जो भी चीजें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है सही से, आपके शरीर में सही से लगती है। उसके साथ में आपको क्या करना है, आपको अपने पेट का, अपने शरीर का गुड बैक्टीरिया बढ़ाना है, इसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है दही। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग दही खाते हो तो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ता है जो आपके फूड के डाइजेशन के लिए, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में आपको सबसे जरूरी चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। कैसे एक्टिव रखना है, आपको एक दिन में मिनिमम 30 मिनट यानी आधे घंटे हल्की सी जॉगिंग, या अगर आप हल्की सी रनिंग करते हो, अगर आप सुबह उठ के हल्की सी रनिंग करते हो 30 मिनट तक, तो ये आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके लीवर को क्लीन करता है, जिससे आपका खाना सही से आपके शरीर में लगने लगता है। उसी के साथ में अगर आप लोग तेजी से अपने लीवर के फंक्शन को सही करना चाहते हैं, अपने बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग सुनोवा का कर्क्यूमिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लोग को पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका ब्लड गंदा होगा, ब्लड साफ नहीं होगा, तो आपकी बॉडी में जो भी ब्लड है वो पूरे शरीर में घूमता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के पूरे शरीर में ब्लड ही लेके जाता है, तो ब्लड अगर गंदा होगा तो आपके हर पार्ट में बॉडी के गंदगी जाएगी, जिस वजह से वो काम सही से नहीं कर पाएगा।
पाएंगे। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है, ये आपके लीवर को क्लीन रखता है। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपका लीवर क्लीन रहेगा तो आपका लीवर मजबूत हो जाएगा, काम सही से करेगा, बाइल जूस को प्रोड्यूस करेगा, जिस वजह से खाना आपका सही से पचेगा, छोटे छोटे हिस्सों में टूटेगा और वो पूरे शरीर में आपके सही से लगेगा, एब्जॉर्प्शन उसका बढ़ जाएगा। साथ में ये आपके इंप्रूव करता है ब्रेन के फंक्शन को। अगर आपका ब्रेन सही से काम करेगा तो आपको जो भी चीजें, अगर आपको याददाश्त की दिक्कत है, आप कोई भी चीज बहुत जल्दी भूल जाते हो, तो उसमें भी ये मदद करेगा, उन्हें सही करने में ये काफी ज्यादा मदद करेगा। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको ये भी बता देता हूं। आप लोग इसके 2 कैप्सूल्स को रोज खा सकते हो। 1 कैप्सूल आप लोगों ने सुबह लिया तो 1 कैप्सूल आप लोग इसका शाम को इस्तेमाल कर सकते हो। सुनोवा के कर्क्यूमिन का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। उसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग क्या गलती करते हो, आप लोग बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हो जो पैकेट बंद आती हैं, जैसे आप लोग चिप्स खाते हो, नमकीन खाते हो, कुरकुरे, ये सारी चीजें आपको अपने खाने से निकालना होगा। धीरे धीरे आप लोग इसको कम कर दीजिए। क्या होता है, जो भी ये पैकेट वाली चीजें हम लोग खाते हैं ये प्रोसेस्ड फूड होते हैं, और जो भी प्रोसेस्ड फूड अगर हम लोग खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे लीवर पे प्रेशर पड़ता है और हमारा लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। देखिए, अगर आप लोग ये सोचेंगे कि लीवर एक बार में पूरा डैमेज होगा तो ऐसा नहीं होता। हमारा लीवर थोड़ा थोड़ा डैमेज होता है, जिससे हमारा खाना जो है वो पचना बंद कर देता है। हम बहुत खाना खाते हैं लेकिन तब भी हमारे खाना हमारे शरीर में नहीं लगता, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए जो भी प्रोसेस्ड फूड है, जो पैकेट वाले फूड है, नमकीन, बिस्किट, इस टाइप की चीजें जो पैकेट बंद आती है, आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आपको नेचुरल चीजें खानी है, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। उसी के साथ में मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि आप लोगों को नींबू पानी पीना चाहिए, हल्के गुनगुने पानी में नींबू डाल के सुबह पीना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि नींबू पानी पीने से हमारा वजन घटता है, हमारा वजन बढ़ता नहीं है, हमारे शरीर में ताकत नहीं आती है। तो मैं आपको बता दूं, नींबू पानी आपका वजन नहीं बढ़ाता है, आपके शरीर को क्लीन करता है, आपकी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है उनको बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। देखिए, हमारा शरीर ये नहीं चाहता है कि बहुत पतला हो, ना हमारा शरीर ये चाहता है कि हम बहुत ज्यादा मोटे हो जाएं। हमारा शरीर हमारी बॉडी का जो वेट है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करता है। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो अपने आप हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो सही से काम करेंगे और हमारा जो वजन है वो मेंटेन रहेगा, ना बहुत ज्यादा कम होगा और ना ही बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो आप लोगों को ये जितनी भी चीजें मैंने बताई सभी को आज से करना स्टार्ट कर देना है, और आप देखोगे कि केवल 1 हफ्ते के अंदर में आपको असर दिखेगा, आपकी बॉडी क्लीन होने लगेगी, आपका लीवर सही होने लगेगा, फूड डाइजेस्ट होने लगेगा, उसके साथ में एब्जॉर्ब भी होगा, जो कि आपके शरीर में सही से लगने लगेगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।